नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। दुनिया भर में अपने कथक नृत्य के लिए मशहूर रहे बिरजू महाराज का बीती देर रात दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। 83 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। नहीं रहे कथक सम्राट, 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। दिल्ली के साकेत अस्पताल में निधन। कथक सम्राट और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज का 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। दिल्ली के साकेत अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का बीते एक महीने से इलाज चल रहा था। बीती रात उनको सांस लेने में तकलीफ होने पर अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन डॉक्टरों की लाख कोशिश के बावजूद उनको बचाया नहीं जा सका। बिरजू महाराज के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया है। बिरजू महाराज के निधन से पूरे कला जगत में शोक की लहर है। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा समेत तमाम बड़े कलाकारों ने उनके निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की है। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। इनका असली नाम पंडित व्रजमोहन मिश्रा था। ये कथक नृत्य होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। इनके पिता अच्छन महाराज, चाचा शंभु महाराज और लच्छू महाराज भी प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। बिरजू महाराज ने देवदास, डेढ़ इश्किया, उमराव जान, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों के लिए नृत्य निर्देशन भी किया। इसके अलावा इन्होंने सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में म्यूजिक भी दिया था। 1983 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिला है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय में बिरजू महाराज को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से भी नवाजा गया था। पंडित बिरजू महाराज अपने आप में एक बड़ी शख्सियत थे। नृत्य के साथ साथ शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में भी वो माहिर थे। वो तालवाद बजाते थे, कविता लिखते थे और चित्रकारी भी करते थे। उनका हर फन वाकई काबिले तारीफ है। निश्चित ही पूरे कला जगत को लेकर उनकी कमी जरूर खलेगी। जीएन भारत भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।